नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ रविकांत चौरसिया। खबर है आज मोदी सरकार के आम बजट पर क्या कुछ कह रहे हैं खगड़िया की जनता, देखिए इस रिपोर्ट को। पेट्रोल और डीजल में एक रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देने से जनता के बीच कहीं ना कहीं नाराजगी है। आप देख सकते हैं कि तस्वीर में पेट्रोल पंप पर तेल भरा रहे पब्लिक क्या कुछ कह रही है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मोदी सरकार के जो बजट आज पेश हुई, आप इससे कितना खुश हैं? मोदी सरकार की इस बजट से नाखुश क्यों हैं? पेट्रोल का दाम कह रहे हैं कि बढ़ा दिया है, तो यहाँ कल तक संकेत था कि घटाने का, आज कह रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया गया है। कल सारा मीडिया दिखा रहा था घटने का उम्मीद है पेट्रोल डीजल का दाम, और आज बढ़ गया। क्या लगता है आपके नज़र से आज का ये बजट? आज का बजट अनुसार मोदी का कहना था कि पेट्रोल में कमी रहेगा, लेकिन बढ़ गया। कहीं ना कहीं इस बात से दुख है, इससे दुख है, नाराजगी है। नाराजगी है। पेट्रोल डीजल पे एक रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा गया है, कितना इससे आप जो है सेटिस्फेक्शन है आपको? नहीं नहीं, गलत बात है, महंगाई का दौर चल रहा है। अच्छा, क्या आप मोदी सरकार से क्या मांग करते हैं? मोदी सरकार से तो बहुत अपेक्षा है लोगों की, लेकिन अभी क्या क्या, अभी तो समय बताएगा। कहीं न कहीं नाराजगी है इस बात से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम योगेंद्र ठाकुर। बजट में ऐसा कोई चीज नहीं दिखा जिससे हम लोगों को लाभ हो, छात्रों को लाभ हो, बेरोजगारों को लाभ मिले, और बिहार को तो खास करके दरकिनार कर दिया गया। हम लोगों को आशा था कि इस बार यह जो सरकार है निश्चित रूप से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोग ये बहुत अच्छा बजट है, गरीब के लिए, किसान के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन कवर करती है इसके लिए। आपका परिचय? मैं डॉक्टर राजेश कुमार जी। मोदी सरकार का आम बजट में आम पब्लिक के लिए कोई रियायत नहीं है, न शिक्षा में सुधार है, न स्वास्थ्य में सुधार के लिए कोई बजट लाया गया है। इससे नाराजगी है, इससे आम वर्ग में नाराजगी होगी, गरीब लोगों, गरीब तबके के लोगों में नाराजगी होगी। आपका परिचय? डॉक्टर के सिंह। कैसे देखते हैं? मेरे अनुसार तो कहीं से भी आम आदमी को राहत की बात नहीं मिली है। जिस तरह से बेरोजगारी का आलम है, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, इस पर बजट का फोकस नहीं करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी के साथ छल किया गया है। आपका परिचय? शिवराज यादव, वार्ड पार्षद, नगर परिषद खगड़िया। यह बजट वास्तव में जो मोदी जी का सपना है सबका साथ सबका विकास, और यह गरीब तक पहुंचे, वैसा यह बजट है, क्योंकि इसमें उज्ज्वला योजना और घर घर बिजली पहुंचे, हर एक जगह रोड और नाला बने, उसके बाद खास करके व्यवसायी वर्ग को अभी तक किसी तरह का सरकारी सुविधा जो होना चाहिए था, जिस तरह से किसानों को मिलता था, वह नहीं मिल रहा था। और सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है जो 1.5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वाले को एक पेंशन के तहत मिलेगा, यह बात है। मैं भाजपा जिला अध्यक्ष राजू शर्मा।